बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं कोफ्ते, जो कि बहुत ही यमी बने हैं, और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कीमा, आप बीफ का ले लें, मटन का ले लें। इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम 2 टेबल स्पून, जो कि मैंने घर पे बनाए थे। अब इसमें डालेंगे हम भुने हुए चने थे, उनको मैंने पाउडर बना लिया, उसका 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर। अब इसमें डालेंगे फ्राई अनियन, बहुत ही टेस्टी टेस्ट होता है इसका, आप ज़रूर ट्राई करें इसको, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना आपने। तो अब हम डाल लेंगे इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो स्पाइसेस आप ट्राई करें थोड़े डालें, क्योंकि हमने जब ग्रेवी बनानी है उसमें भी स्पाइसेस यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें डाली हैं इसमें। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं वैसे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से किया ज़्यादा अच्छा होता है मिक्स। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया। अब हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के या पानी लगा के इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने एक बॉल बना लिया, इसी तरह मैं सारे बॉल रेडी कर लेती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने सारे बॉल रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो इधर ये ऑप्शनल है, अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल लेती हूँ अब। तो फ्राई करने से ये 50% ऑलमोस्ट पक जाते हैं, तो अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो वैसे ही आप बॉल ग्रेवी के अंदर रखेंगे तो ये गल जाएंगे। अभी हम लेंगे 1 कप ऑयल, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन बिल्कुल चॉप कर लिया इनको, तो वो डाल के हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, इनको भी हमने अच्छे से भून लेना है। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। तो इसको डालने के बाद हमने अच्छे से इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी होता है, उसको हमें खुश करना है। जब साइडों पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे योगर्ट। तो ये मैंने 1 कप योगर्ट लिया था, इसको भी अंदर डाल दिया है, और इसको भी 2 से 3 मिनट तक मैं पका लूँगी। तो ये भी अच्छे से पक गया, साइडों में अब देखिए ऑयल आ गया। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, क्योंकि हमने कोफ्तों के अंदर भी स्पाइसेस डाले थे इसलिए थोड़े डालेंगे। अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो ज़्यादा हमने मसालों को कुक नहीं करना, क्योंकि उससे जल जाते हैं मसाले और टेस्ट थोड़ा जलने का आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी आपको जिस हिसाब से ग्रेवी थिक चाहिए उसे थोड़ा सा ज़्यादा मैं डालूंगी, क्योंकि 50% हमारे कोफ्ते पहले गल गए हुए हैं, तो 50% हम इस ग्रेवी में पका लेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें कोफ्ते बनाना चाहते हैं, फ्राई नहीं करना चाहते और डायरेक्ट ग्रेवी में पकाना चाहते हैं, तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना। तो अभी देखिए बबल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे और 15 मिनट के हिसाब से छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोफ्ते भी साइज़ में थोड़े बड़े हो गए हैं और ऑयल भी साइडों पे आ गया। ये तो ये 100% डन हो गया हुआ, चूल्हा बंद कर देते हैं। ये ज़रा देखें आप ग्रेवी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी सी रेडी हो गई और कोफ्ते भी बन गए हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये देखें जी ग्रेवी थोड़ी सी मैंने थिक रखी है, अगर आप नान के साथ सर्व कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। तो सारे बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर डाले फ्रेश कोरिएंडर और
गरम गरम नान या तंदूर वाली रोटी के साथ सर्व करें और आप इस रेसिपी के साथ बनाएं कोफ्ते, इंशाल्लाह ताला बार बार इसी तरह ही आप बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।